ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस ने बच्चन परिवार को पूरी तरीके से चपेट में ले लिया है। जी हाँ, अमिताभ और अभिषेक के बाद अब ऐश्वर्या और आराध्या भी नानावती हॉस्पिटल में एडमिट कराए गए हैं। बता दूं आपको कि इस वक्त ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन इन दोनों ही लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। मैं बता दूं, जब ये कोविड पॉजिटिव आए थे उस वक्त इनको होम क्वारंटाइन की सुविधा दी गई थी और इन्हें कहा गया था कि अपने आप को घर पर ही आइसोलेट कर ले। लेकिन उसके बाद से लगातार तबीयत बिगड़ने की वजह से अमिताभ और अभिषेक तो भले ही हॉस्पिटल में एडमिट थे, लेकिन आराध्या और ऐश्वर्या ने होम क्वारंटाइन का जरिया अपनाया था। लेकिन अब उनकी भी हालत बिगड़ती नजर आ रही है और उन्हें भी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। अब देखना ये होगा कि कब जल्द से जल्द ये सभी लोग ठीक होकर घर जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चारों ही लोग, यानी कि अभिषेक, ऐश्वर्या, अमिताभ और आराध्या, ये चारों ही लोग नानावती हॉस्पिटल में एडमिट है। हम सिर्फ इतनी ही उम्मीद कर सकते हैं कि ये सभी लोग जल्द से जल्द ठीक होकर घर वापस आ जाएं। आप सभी का इस पर क्या ओपिनियन है, ये आप हमें बताइए दिए गए कमेंट सेक्शन में। कंगना रनौत ने अपना पद्मश्री रिटर्न करने की बात कर दी है। जी हाँ, क्यों कहा है कंगना ने ऐसा, ये हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। कंगना रनौत, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के डिमाइस के बाद से लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं और इंडस्ट्री के एक सेक्शन पर लगातार सवाल उठा रही हैं, उन्हें नेपोटिज्म को लेकर उन्हें क्वेश्चन कर रही हैं, उन्हें फेवरेटिज्म को लेकर क्वेश्चन कर रही हैं। ऐसे में हाल ही में कंगना रनौत ने कहा है कि अगर मेरे लगाए हुए इल्जाम, मेरी कही हुई बातें गलत साबित हुई तो मैं अपना पद्मश्री रिटर्न कर दूंगी। कहीं ना कहीं कंगना रनौत की इस तरह की बातों से ये जायज होता है, ये साबित होता है कि कंगना अपने स्टैंड पर कितनी फर्म है। कंगना का कहना है कि इंडस्ट्री में वाकई ऐसे लोग हैं जो मेंटली आपको वीक बना देते हैं, जो बहुत ही ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं सुसाइड करने का। कंगना ने अपने पिछले कुछ इंटरव्यूज में इस बात को भी कहा था कि लगातार मुझे भी ये कहा जा रहा था कि तुम सुसाइड कर लोगी, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, यू विल बी डिस्ट्रॉयड। और इन्हीं तरह की चीजों का दावा उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के लिए भी किया है। देखना ये होगा कि क्या कुछ आगे और चीजें होती हैं। लेकिन कंगना रनौत ने एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि वो अपना पद्मश्री रिटर्न कर देंगी अगर ये चीजें गलत साबित हुई। आप एज अ व्यूअर क्या कुछ कहना चाहते हैं कंगना के इस बोल्ड स्टेटमेंट पर, ये आप हमें बता सकते हैं दिए गए कॉमेंट सेक्शन में। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद से लगातार एक के बाद एक रीसेंट अपडेट्स आ ही रही हैं और ऐसे में कंगना रनौत भी लगातार इंडस्ट्री से कई काले सच सामने ला रही हैं। इस वक्त कंगना रनौत ने एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट दिया है, क्या कुछ कहना है कंगना का, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल मूवीज अड्डा को। बता दूं आपको कि हाल ही में कंगना रनौत ने एक टेलीविजन न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया। वहां पर बातचीत के दौरान उन्होंने आदित्य चोपड़ा, जी हां यशराज फिल्म्स के ओनर आदित्य चोपड़ा पर कहीं ना कहीं तमाम इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आदित्य चोपड़ा ने मुझे धमकाया जब मैंने सुल्तान फिल्म करने से मना कर दिया। मैं आपको बता दूं, सुल्तान वो फिल्म है जिसमें सलमान खान नजर आए थे अनुष्का शर्मा के साथ और ये फिल्म रेसलिंग के ऊपर थी। इस फिल्म के लिए सबसे पहले कंगना रनौत को अप्रोच किया गया था थ्रू यशराज फिल्म्स, लेकिन कंगना रनौत ने किन्हीं कारणों की वजह से इस फिल्म के लिए मना कर दिया। और उसके बाद कंगना ने इस बात को कहा कि मैं जहां तरीके से बात कर उन्हें अपॉलोजीज कहना चाहती थी कि मैं ये फिल्म नहीं कर पाऊंगी, वहीं सामने से मुझे धमकाया गया और कहा गया कि तुम्हारा करियर जो है वो फिनिश कर दूंगा मैं, तुम्हारा करियर फिनिश हो जाएगा। इस तरह की धमकी मुझे मिली आदित्य चोपड़ा से और उन्होंने ये तक कहा कि हाउ कैन यू से नो टू मी, तुम मुझे कैसे मना कर सकती हो। इस तरह की तमाम बातें कंगना रनौत ने इस इंटरव्यू में साझा की। मैं आपको बता दूं कि कंगना लगातार सुशांत सिंह राजपूत के डिमाइस के बाद से इंडस्ट्री पर सवाल उठा रही हैं, इंडस्ट्री के गैंगिज्म पर, इंडस्ट्री के फेवरेटिज्म पर और नेपोटिज्म पर। कंगना के स्टेटमेंट पर, इस बड़े रिवॉल्यूशन पर आपकी क्या राय है, ये आप हमें बताइए दिए गए कॉमेंट सेक्शन में। सिद्धार्थ शुक्ला को इस बार देखकर आपके दिल को करार जरूर आएगा। जी हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला जो कि इस वक्त नेशन के हार्ट थ्रॉब हैं और बिग बॉस सीजन 13 के विनर हैं, सिद्धार्थ शुक्ला और नेहा शर्मा का रीसेंट ट्रैक यानी कि दिल को करार आया बहुत जल्द रिलीज होने वाला है। इसका पोस्टर आउट हो चुका है एंड आई मस्ट से द पोस्टर लुक्स फैबुलसली अमेजिंग। जी हाँ, वेल मैं बता दूं आपको कि लास्ट जब हमने सिद्धार्थ शुक्ला को देखा था तो वो हमें नजर आए थे भुला दूंगा ट्रैक में शहनाज गिल के साथ और वो गाना ऑडियंस को बेहद पसंद आया था दर्शन रावल की आवाज में। लेकिन अब सिद्धार्थ शुक्ला का सेकंड ट्रैक फाइनली आउट हो चुका है और इस गाने में सिद्धार्थ शुक्ला ऑपोजिट नजर आ रहे हैं नेहा शर्मा के। वेल इस पोस्टर को देखकर इस बात का अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि बहुत ही ज्यादा कोजी, बहुत ही ज्यादा रोमांटिक और बहुत ही ज्यादा एक सूदिंग ब्यूटीफुल ट्रैक होने वाला है दिल को करार आया।
मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से ये पोस्टर आज रिलीज किया है, तो सिद्धार्थ शुक्ला ने पोस्टर के साथ जो कैप्शन है वो लिखा है दैट हियर्स द फर्स्ट लुक ऑफ दिल को करार आया। सो कहीं ना कहीं सिद्धार्थ ने सरप्राइज तो दे ही दिया है अपने फैंस को। अब देखना ये होगा कि लोगों को उनकी केमिस्ट्री नेहा शर्मा के साथ कैसी लगती है। वेल, अगर पोस्टर की बात की जाए तो पोस्टर में केमिस्ट्री भरपूर नजर आ रही है। आप लोग किस बात का इंतजार कर रहे हैं? कॉमेंट सेक्शन आपका है, जाकर जरूर मुझे बताइए कि आपको ये पोस्टर कैसा लगा। महेश भट्ट, जावेद अख्तर से लेकर तमाम लोगों को सुइसाइड गैंग का नाम दे दिया है कंगना रनौत ने। क्या कुछ कहा है कंगना ने, चलिए आपको बताते हैं। बता दूं आपको कि सुशांत सिंह राजपूत के सडन डिमाइस के बाद से लगातार कंगना रनौत इज ऑन फायर। लगातार वो इंडस्ट्री के कई ऐसे चेहरों से पर्दा उठा रही हैं और लगातार वो सवाल खड़े कर रही हैं इंडस्ट्री के कई बड़े नामों पर। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि कंगना रनौत ने एक रिसेंट टेलीविजन चैनल न्यूज के साथ उन्होंने एक इंटरव्यू किया, जहां पर जब एंकर ने उनसे पूछा कि क्या कुछ आप कहना चाहेंगी, तो उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में कई ऐसे लोग हैं, चाहे वो महेश भट्ट या फिर जावेद अख्तर, इनसे पूछताछ क्यों नहीं की जाती, क्यों आदित्य चोपड़ा को पुलिस ने कटघरे में नहीं बुलाया, या क्यों आदित्य चोपड़ा को पुलिस ने समन नहीं किया, उनसे सवाल जवाब नहीं किए, क्योंकि ये लोग सब बड़े लोग हैं, ये लोग अमीर हैं, इसलिए ये बच निकलते हैं। साथ ही साथ कंगना का ये भी कहना था कि चाहे बात महेश भट्ट की हो या फिर जावेद अख्तर की, क्यों महेश भट्ट हमेशा ही इन्वॉल्व नजर आए रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के केस में, क्यों इस सवाल का कोई जवाब नहीं है भट्ट फैमिली के पास। इस तरह के तमाम इल्जाम तो कंगना ने लगाए ही, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कंगना रनौत ने साफ और सीधे तरीके से जावेद अख्तर और महेश भट्ट को कह दिया है सुइसाइड गैंग, जो लोगों को, न्यूकमर्स को, आउटसाइडर्स को मजबूर करते हैं कहीं ना कहीं सुसाइड करने पर, मेंटल प्रेशर डालते हैं सुसाइड करने पर। अब देखना ही होगा कि कंगना के इतने बोल्ड स्टेटमेंट्स के बाद किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, चाहे वो जावेद अख्तर हो या फिर वो महेश भट्ट हो। आप एज अ व्यूअर क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप कितना सहमत है कंगना के इस बयान से, या आप हमें बताइए कॉमेंट सेक्शन में। से ही कटरीना कैफ के लिए विशेष का सिलसिला लगा हुआ है, ऐसे में कटरीना भी लगातार सोशल मीडिया के जरिए अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना नहीं भूल रही। जी हाँ, हर किसी ने तकरीबन दीपिका पादुकोण से लेकर प्रियंका चोपड़ा से लेकर विकी कौशल से लेकर सलमान खान तक, हर किसी ने कटरीना कैफ को विश किया है। ऐसे में मैं आपको बता देती हूँ कि कटरीना ने किस तरीके से सलमान खान के विश का रिस्पॉन्ड किया है। बता दें आपको कि सलमान खान ने कल एक बड़े ही फेरी टेल अंदाज में कटरीना कैफ को विश किया था। बता दूं आपको कि कटरीना अपना 37th बर्थडे इस साल कर रहे हैं, और ऐसे में पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, घर से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन विशेष तो जरूर आ सकते हैं घर के अंदर। और ऐसे में सलमान ने एक बड़ी ही खूबसूरत सी पिक्चर शेयर करते हुए कटरीना को बर्थडे विश किया, और कटरीना ने भी अपने दोस्त यानी कि अपने खास दोस्त सलमान खान की विशेष को बड़े ही प्यार से रिस्पॉन्ड करते हुए रिप्लाई में थैंक यू लिखा है। जी हाँ, मैं बता दूं आपको कि कटरीना ने सलमान के पोस्ट को रीशेयर करते हुए थैंक यू मैसेज दिया है और बड़े ही हार्टफुल तरीके से उन्हें रिप्लाई किया है। सो आप एज अ व्यूअर क्या कुछ कहना चाहते हैं सलमान कटरीना के बारे में, ये आप हमें जरूर बताइए। लेकिन अगर वर्क फ्रंट की बात की जाए तो बता दूं सलमान खान और कटरीना कैफ बहुत जल्द टाइगर 3 में नजर आ सकते हैं। अब इसकी शूटिंग कब शुरू होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस वक्त आप जरूर बताइए कि आपका क्या कहना है इस फोटो के बारे में। यूलिया वांतूर सलमान खान के साथ फार्मिंग करती नजर आ रही है। क्या फोटो शेयर की है यूलिया ने और क्या कुछ कहना है उनका इस एक्सपीरियंस के बारे में, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे चैनल मूवीज अड्डा को। वेल, हेलो गाइज, मैं हूँ ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि इस वक्त यूलिया वांतू ने एक फोटो शेयर की है जहां पर वो फार्मिंग करती तो नजर आ ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि वो फार्मिंग करते हुए उन्होंने जो फोटो डाली है उसके साथ कैप्शन में उन्होंने बहुत सारी एक्सपीरियंसेस शेयर की है। उन्होंने कहा कि जब मैं छोटी थी तो उस वक्त मैं अपने पेरेंट्स के साथ और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जाकर किस तरीके से फार्मिंग करती थी कंट्री साइड पर, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि और भी बहुत सारी पुरानी यादें उनकी ताज़ा हो रही हैं इस वक्त, किस तरीके से एनिमल्स का ध्यान रखा जाता था, किस तरीके से फार्मिंग की जाती थी, किस तरीके से गार्डनिंग की जाती थी। मैं आपको बता दूं कि यूलिया इस वक्त सलमान के साथ उनके पनवेल फार्म हाउस पर है, वहां पर भाईजान के साथ मिलकर हर कोई खेतीबाड़ी कर रहा है। जैसे कि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा भी था कि सलमान ने फोटोज शेयर की थी और लिखा था जय जवान जय किसान,
तो कहीं ना कहीं यूलिया जो है वो मिलकर सलमान के साथ फार्मिंग कर रही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि यूलिया ने ये भी कहा कि वो अपने सारे एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर करेंगी अपने यूट्यूब चैनल पर। सो वेट किस बात का, आप लोग जरूर बताइए कि ये फोटो कैसी लगी और क्या कुछ आप कहना चाहते हैं इस फोटो के बारे में। दिस इज ज्योतिना साइनिंग ऑफ।